जेनेटिक्स हमारा, जेनेटिक्स में बात करते हैं हम लोग दो चीजों की। एक आता है हमारा फर्स्ट जो है उसे बोलते हैं हेरिडिटी, कहीं कहीं हम शॉर्ट में लिखेंगे ठीक है, एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है इसको वेरिएशन। इस नाते कुछ कुछ चीजें बोलेंगे आप उसको लिखना है, ऐसा नहीं कि सब चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। अब पीडीएफ में आपको नोट मिल जाएंगे ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कि इस पीडीएफ से पढ़ सकें, लेकिन मोस्टली आप लोग लिखना ठीक है, खुद से लिखोगे तो अच्छे से तैयार होगा कि हम चीजें कहाँ पे कौन चीज लिखे हैं, किस पेन से लिखे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा लर्न होती है। ठीक है, जेनेटिक्स में से बात करते हैं कि मान लो जैसे ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन से ठीक है रिप्रोडक्शन किया, ठीक है गुजराती में, गुजराती जो मीडियम है उसको बोलते हैं प्रजनन किया। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, अब इसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म और है ठीक है, जैसे बोलते हैं कि इसका करेक्टर इसमें ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इसका करेक्टर ट्रांसफर कैसे हुआ, ठीक है कौन ले गया, ठीक है तो इस चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है ये पूरी स्टडी, होल स्टडी के बारे में पढ़ने के लिए हम कौन सा ब्रांच को करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है लिख लेते हैं, ट्रांसफर हुआ है करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। ठीक है, वन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन वन ऑफ स्प्रिंग या पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग लिख दें मोस्टली जगह, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में गुजराती में बोलते हैं संतति बोलते हैं इसे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, सेकेंड आता है वेरिएशन, वेरिएशन में सिर्फ एक ही चीज है जिसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमारे, ठीक है हमारे भाई एंड बहन जो भी हैं, ठीक है भाई बहन होते हैं तो सब सेम नहीं होते, उनमें क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम जैसे हैं हम, और आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक्स, आप लोगों ने सुना होगा बहुत, नाना दादी बाबा लोग बोलते हैं, जेनेटिक्स नहीं बोलते, बोलते क्या है कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी नाक आंख कान कान जो भी चीज़ें, सॉरी ठीक है जो भी चीज़ें हैं मम्मी को पढ़ी है पापा को पढ़ी है। ठीक है, लेकिन उनको अब पढ़े तो नहीं है, नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं तो सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, हमारी जेनेटिक्स के ही अंतर्गत। इसी के कारण वो बोलते हैं कि यही करेक्टर हमारा ले जाता है, अब टोटल करेक्टर नहीं जाता, हाफ करेक्टर मदर का होता है, हाफ फादर का होता है हमारा। ठीक है, मेल एंड फीमेल का होता है। ठीक है, लेकिन ट्विंस को छोड़ के, ट्विंस को छोड़ के ट्विंस में क्या होते हैं, हमारे करेक्टर सेम होते हैं, कैसे ट्विंस बनता है वो हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे भाई एंड ब्रदर एंड सिस्टर में डिफरेंसेज आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जितने भी करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे, और वेरिएशन। अब आता है करेक्टर को ले कौन जाता है हमारा, यदि करेक्टर की बात करें तो ले कौन जाता है, तो हमारा ये नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है 10th में कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा करेक्टर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं जानेंगे, हम तीनों को बोलेंगे कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकते हैं, हमारे करेक्टर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बारे में बताया किसने कि ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा बताए थे मेंडल साहब ने, ठीक है साइंटिस्ट हैं मेंडल। ठीक ठीक है, मेंडल या फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं जीजे मेंडल। ठीक है, जीजे मेंडल साहब थे, ठीक है जिनको बोला जाता है हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पूछा गया क्वेश्चन आपको, पहला फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं हम लोग, जीजे मेंडल साहब को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, चलो अब इनको क्यों बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये पूछा जाता है कि सर इन्होंने क्या ऐसा किया होगा जिसके कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बारे में पूरा स्टडी किया, उसी को बोला था फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही बताया था कि जेनेटिक्स क्या होता है, करेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं फादर
मदर्स को आपस में कंज्यूम करके ऑफ स्प्रिंग में कैसे करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इनके बारे में मेंडल ने ही बताया था। ठीक है, अब इनका पूछा था बर्थ ईयर, कभी काल पूछ दिया जाता है, वैसे तो अब बहुत कम देखा जाता है कि बर्थ ईयर से कब हुआ था। ठीक है, तो 22 जुलाई 1822। ठीक है, ये आपको बहुत कम पूछा जाएगा, ना के बराबर है। ठीक है, कि बर्थ ईयर से क्या क्या है। ठीक है, अब किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई पौधा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ह्यूमन पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। किसी पौधे को लिए, जो पौधा इन्होंने उस पर वर्क किया था 7 ईयर्स। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है 6 ईयर्स, ठीक है, लेकिन आप लोग को मोस्टली याद रखना 7 ईयर्स, किसी किसी बुक में 6 ईयर्स भी लिखा हुआ है। और यदि आपको नीट पे पूछा था कितने ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए थे, तो 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए थे ऑफ वर्क गार्डन पी। ठीक है, ये पूछा जाता है गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, मेंडल साहब ने, किसकी डिस्कवरी के लिए, जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी के लिए गार्डन पी पे। अब देखो, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को नॉर्मली नाम से तो होगा नहीं, हमारा एक साइंटिफिक नेम होगा, जैसे हम लोग अभी क्या होता है नॉर्मली नेम होते हैं, घर के नेम होते हैं, स्कूल के नेम होते हैं, लेकिन यदि कुछ काम करना होगा, ठीक है, जैसे शादी हुआ या फिर पूजा कुछ भी करते हैं, तो हम अपने जो राशि नेम होते हैं या फिर ऐसे कुछ करके नेम होते हैं, दोनों गोत्र नेम होते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। इसलिए तो बायोलॉजी में आप MBBS करने जा रहे हैं तो जितनी दवाइयाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम लोग को साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है हमारा पाइसम सटाइवम, इसको अंडरलाइन करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, पाइसम सटाइवम पहला ही पूछा था, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि मेंडल ने किस प्लांट पे डिस्कवर किया था, कितने ईयर्स, तो पाइसम सटाइवम या गार्डन पी दोनों है। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पाइसम सटाइवा पे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि यदि मान लेते हैं कि ये हमारा प्लांट है पाइसम सटाइवम का, ऐसे रफली डायग्राम बनाया जा रहा है, तो जो भी करेक्टर है, मान ले इसके पास करेक्टर ए है, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है गार्डन पी का, न्यू ऑर्गेनिज्म है, उस पर भी आ गया हमारा करेक्टर कौन सा आएगा, अब ए या बी ऑप्शन दिया रहेगा, तो कौन सा आएगा हमारा, ए करेक्टर आया अकॉर्डिंग टू हमारा मेंडल साहब के। ठीक है, कि यहां से जितने भी करेक्टर थे हमारे करेक्टर ट्रांसफर हुए पी प्लांट पे, एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखिए आगे चलते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक मिनट, चैट बॉक्स पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट जहां नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, चलो ये पाइसम सटाइवम है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा जाता है कि रीजन फॉर सक्सेस, क्या रीजन था कि पाइसम सटाइवम सक्सेस हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, क्या क्या सक्सेस। अब देखो पहला पूछा था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पाइसम सटाइवम लिया, अब मान लो कि हम ले लिए, देखना ध्यान, कौन सा प्लांट ले लिए, मैंगो, मैंगो प्लांट ले लिए, अब इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि मान लो हम नहीं, हम सर गार्डन पी नहीं लेंगे, हम पाइसम सटाइवम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जब भी घर में पी आएगा, प्लांट आएगा, इसमें सीजन भी है, तो आप लोग क्या करना, उसे बोलना पाइसम सटाइवम आया है घर पे। ठीक है, धीरे धीरे याद होगा, मैंगो ले लिया, अब मैंगो पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू है गार्डन पी। ठीक है, मैंगो में क्या होगा, इसकी लाइफ साइकिल जानते हैं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हो सकता है 50 हो 100 हो, बहुत पुराने। अब मान लिए कि आज एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब साइंटिस्ट की डेथ हो गई, फिर एक्सपेरिमेंट नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल इसकी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना, ऐसे प्लांट लेने हैं जिसकी लाइफ साइकिल जल्दी हमको रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ऐसा काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना जल्दी। तो हम जानते हैं पाइसम सटाइवम की जो लाइफ साइकिल होती है, क्या होती है हमारी, 3 to 4 वीक। फर्स्ट जो सक्सेस था इनका गार्डन पी को, लाइफ साइकिल जो थी वो 3 to 4 वीक्स, कितनी थी हमारी, 3 to 4 वीक थी लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल हमारी 3 to 4 वीक्स है, जिससे हमको रिजल्ट आसानी, यदि हम किसी मटर प्लांट पे कुछ भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो 3 to 4 वीक्स में हमको रिजल्ट ऑप्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, ठीक है, कि इसमें सेल्फ
एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अब आता है सेल्फ यानी खुद का ऑटो. सेल्फ कितना था हमारा 80% और अबाउट 20% हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन था. ठीक है, अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि ये एक है ए और ए वाला क्या है हमारा बी. ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे आपको. ए एंड बी दोनों आपस में क्रॉस आपस में जब फ्यूज होते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन. अब यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये छोटा सा गार्डन है, इस पे हम लोगों ने क्या किया पी प्लांट को लगा दिया. ठीक है, अब पी प्लांट पे बोला जा रहा है कौन सा क्रॉस हो रहा है हमारा फर्टिलाइजेशन, सेल्फ यानी खुद का पोलिन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे ही गिर जाएगा, लैंडिंग हो जाएगा. ठीक है, एक सेंटेंस है पोलिन ग्रेन स्टिग्मा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेल व रिप्रोडक्ट मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, खुद पे यदि गिर जाएगा यानी हमको कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही. लेकिन यदि हम दूसरा कोई प्लांट लें, मैंगो लें, नीम लें या कुछ भी ले लें, बनाना ले लें, ठीक है, तो उसमें हमको एजेंट की रिक्वायरमेंट, तो ये भी हमारा बच गया, कोई एजेंट नहीं है, जहाँ पे लगाए हैं जिस रूम में लगाए हैं वहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट था हमारा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. एक मिनट वेट वेट, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. अब क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ये पूछा जाता है, मैं टिक कर रहा हूँ. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मीन्स हो क्या जस्ट अपोजिट करेक्टर. ठीक है, जस्ट अपोजिट करेक्टर. ठीक है, कि हम जैसे बोला जाता है कि ये आदमी इधर चल रहा है, ठीक है, और आपसे बोला कि इधर चलें लेकिन हम इधर चलेंगे, नहीं हम इधर चलेंगे. ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोजिट करेक्टर को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. तो पी प्लांट में क्या था कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कितने थे हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे. ठीक है, कितने करेक्टर थे मोस्टली करेक्टर देखा गया, जैसे मान लो कोई अदर प्लांट लेते तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कम थे, इसमें क्या हो गया मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट थे, इस नाते इन्होंने पी प्लांट को लिया. कितने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे जस्ट अपोजिट करेक्टर को ही. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में अपोजिट करेक्टर्स को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग. कितने थे हमारे 7 करेक्टर थे हमारे. ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड या फिर करेक्टर्स से बोले जाते हैं. ठीक है, और देखो और भी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट नहीं लिखा रहता है नीट में, वो आप जान सकते हो कि गार्डन पी छोटा पौधा होता है तो लैंड की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी. ठीक है, नंबर ऑफ वेराइटी क्या है ज़्यादा थे क्योंकि 7 करेक्टर्स हैं हमारे. दूसरा, ठीक है, जो मनी रिक्वायरमेंट होगी वह कम पड़ेगी हमारी. ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता कम पड़ेगी. ठीक है, तो ये सब और अनदर करेक्टर्स भी हैं जो आपके पॉइंट आउट ये आप खुद से लिख सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, यदि एनसीईआरटी में दिया एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है तो आप खुद से वहाँ पे आपको नीट में दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप चूज कर सकते हो. ठीक है, कि पौधा छोटा होता है, पानी की रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर्स की, लैंड की रिक्वायरमेंट, मनी की रिक्वायरमेंट, ये सब कम होती है हमारे पास. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना आसान है. तो ये 3 सक्सेस थे उनके हमारे मेंडल के जिन्होंने गार्डन पी. पूछा जाता है कि गार्डन पी का सक्सेस और अनसक्सेस दोनों पूछा जाता है. ठीक है, एक गार्डन पी का था मेंडल ने. ठीक है, फोर्थ एक और लिख सकते हैं. ठीक है, कि नो यूज ऑफ लिंकेज. अब ये आएगा आप लोगों को अलग. ठीक है, नो यूज ऑफ लिंकेज. लिंकेज मीन्स क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जैसे ये कोई एक मिनट क्रोमोसोम नाम आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है और ये हमारे में ह्यूमन से पूछा जाता है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर्स. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं 46 23 क्रोमोसोम. ठीक है, 46 23 इन पेयर्स में. अब मान लेते हैं कि इस एक, ठीक है, कि इस पे हमारा कोई करेक्टर है ए और इस पे करेक्टर है बी. इस तरह हमारा होता है पेयर्स में होते हैं हमारे. ठीक है, इसी तरह हमारे पी प्लांट में प्रेजेंट थे. ठीक है, कि एक क्रोमोसोम पे अलग करेक्टर, दूसरे क्रोमोसोम पे अलग करेक्टर. ठीक है, यदि दोनों, ठीक है,
एक ही क्रोमोसोम पे, ये एक क्रोमोसोम है इस पे दोनों करेक्टर हमारा लोकेटेड हो जाए, ठीक है ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लिंकेज बोलते हैं, लिंक्ड हो जाना, आपस में जुड़ जाना, ठीक है, यदि आपस में जुड़ गए ठीक है तो उसे बोलते हैं लिंकेज। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नो यूज ऑफ लिंकेज, यानी मटर के पौधा गार्डन पी पाइसम तो टाइप जो था उसमें कोई भी लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, ए मोस्ट करेक्ट, क्योंकि यदि एक ही साथ करेक्टर प्रेजेंट होंगे तो आपस में क्या होंगे, वो ट्रांसफर होते रहेंगे पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो फोर्थ हमारे हैं, पहला लाइफ साइकिल याद रखना, लाइफ साइकिल कितनी होती है, बहुत छोटी है, पी का प्लांट देखते हैं सीजन आता है फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, जल्दी से रिप्रोडक्शन हो जाता है उसका। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल्फ मीन्स किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमको, वेट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं से पॉलिन ग्रेन आए स्टिकमा का, फिर हमारा रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जिस कमरे में आप लगाए हैं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, आपके छोटी सी भी लैंड है तो आप गार्डन पी को लगा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, यानी नंबर ऑफ वेराइटी, ऐसे समझो नॉर्मली मौसम, नंबर ऑफ वेराइटी पी प्लांट में ज्यादा मिल सकते हैं हमको इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। फोर्थ है नो यूज ऑफ लिंकेज, लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, यदि लिंकेज होगा तो करेक्टर सब गड़बड़ हो जाएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे हमारा, तो इस तरह हम इनको करेक्टर थे, सक्सेस करेक्टर थे हमारे पी प्लांट पे। तो ये पूछा जाता है कि पी प्लांट क्यों लिया और क्या क्या उनके सक्सेस थे, ठीक है। अब इन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में करेक्टर में आप लोग को एनसीईआरटी में दिया गया है कंट्रास्टिंग, ठीक है, तो वहां पे दो चीजें दी गई हैं, करेक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, डोमिनेंट डोमिनेंस एंड रिसेसिव, और भी चीजें हैं। अब देखो दो चीजें हैं, करेक्टर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे मोस्टली, ठीक है, कहीं पे ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं जो बताएंगे अभी, ठीक है, दो चीजें पूछिए, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है, फिर हम करेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं तो इनके दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। देखो ध्यान देना, एनसीईआरटी में लिखा गया है जो अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस हमेशा करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट, जो ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रिसेसिव, यानी फ्यू जनरेशन में, फ्यू जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कुछ कुछ जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हमेशा एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस, और ये बताया जाता है आपको जेनेटिक्स में कि ये होता है ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा तो उसे डोमिनेंट बोलेंगे, गुजराती में जो है उन शायद प्रभावी बोलते हैं और रिसेसिव को प्रछंद बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा तो उसे डोमिनेंट, फ्यू टाइम या फ्यू जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम मेडिकल स्टूडेंट के हैं, ठीक है, मेडिकल में जा रहे हैं MBBS पढ़ने, तो हम मेडिकल लैंग्वेज में इसकी बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि ऐसे, ठीक है, देखो कि एक है, ये बहुत हैवी वेटेड आदमी है, मेंस है, ठीक है, और एक छोटा सा मैन है, ठीक है, नॉर्मली देखना आप लोगों को फिर समझ में आएगा और भी चीजें क्लियर होंगे। हम इन दोनों को आपस में फाइट करा दिया जाए, ठीक है, आपस में दोनों को फाइट करा दिया जाए तो हमको नॉर्मली पता है, जैसे देख के ही बता देंगे कि ये आदमी को हमेशा जीतेगा, ये चांसेज है, ठीक है, 10% चांसेज है कि जीत सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों से क्या होगा कि ये हमारा जो हैवी वेटेड है, लार्ज वेटेड है, वो हमेशा जीतेगा फाइट करने पे, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जीतेगा क्यों, फाइट में जीत क्यों हो रहा है, विन क्यों हो रहा है, तो सीधे बोल रहे हैं कि क्या होगा, ये तगड़ा होगा, वेटेड है, ठीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, क्या है हमारा, हमारा करेक्टर क्या है, हमारा स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्या हमारा स्ट्रांग है और ये क्या हमारा वीक, तो हमको पता चल गया इस नाते ये जीत रहा है, स्ट्रांग और वीक, ठीक है। उसी तरह हम जब बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई चीज डोमिनेंट है और कोई चीज रिसेसिव है, ठीक है, दो तीन तीन चीजें बोली जा रही हैं कि कोई डोमिनेंट है रिसेसिव है, तो किसके बेसिस पे बोला जा रहा है, ठीक है, ये पूछा जाता है आपको। तो हम लोग जब भी किसी की बात करते हैं तो यानी डीएनए, एक मिनट, हाँ, किसकी बात करेंगे हम लोग कि डीएनए ही ऐसा करेक्टर है जो
हमारे अंदर यदि डीएनए नहीं रहेगा, ठीक है, यानी डीएनए जो भी करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है, लिखना पढ़ना जो भी करेक्टर है, जो भी करेक्टर है हमारे पास, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक दोनों, दौड़ना कूदना सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा डीएनए। और डीएनए बना होता है हमारा किससे? प्रोटीन से। किससे बना होता है हमारा? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। डीएनए किससे बना होगा हमारा? प्रोटीन से। अब देखो, अब प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं हमारे। एक होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। दो चीजें होती है, फंक्शनल प्रोटीन एंड नॉन फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, डोमिनेंट की बात करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डोमिनेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं रिसेसिव। अब यहाँ पे दो टर्म लिख लेते हैं, फंक्शनल प्रोटीन और सेकेंड होगा हमारा नॉन फंक्शनल प्रोटीन। दो हो गए हमारे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब डोमिनेंट में जो एनसीईआरटी लिखा है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, कि ये बोल रहा है कि ये क्या करता है हमारा, ऑलवेज एक्सप्रेस करता है, यानी इसके पास जो फंक्शनल प्रोटीन होंगे उसकी रेशियो होगी 100/100। अब यहाँ पे मैथ मत लगाना सर, काट के हम एक कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब जितने प्रोटीन है फंक्शनल सबके सब एक्सप्रेस होंगे इसमें, इसी नाते इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट। और नॉन फंक्शनल में क्या होता है? 0/100, ठीक है। यानी रिसेसिव यदि करेक्टर है, फंक्शनल प्रोटीन है, तो उसमें से एक भी करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। दूसरा, नॉन फंक्शनल में डोमिनेंट में क्या होगा हमारा? 0/100, और इधर होगा हमारा 20/100। ये रेशियो कि नॉन फंक्शनल जो प्रोटीन है रिसेसिव में वो कितने 100 हैं, लेकिन उसमें कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं? 1/20 एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसी नाते ये, ठीक है, फ्यू टाइम ही क्या करते हैं, फ्यू जनरेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमेशा ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्ट रीजन है आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब कभी भी आपसे कोई पूछे मेडिकल में कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, तो ये लाइन नहीं बताएंगे हम लोग, ठीक है, बोर्ड वाली, कि ऑलवेज एक्सप्रेस होगा कि ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं करता मन। ऑलवेज एक्सप्रेस यानी हर जनरेशन में, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है हमारा, और फ्यू जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव। ये नहीं बोलना, अब हमको बोलना है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स के बारे में। दोनों प्रोटीन्स हैं हमारे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है हमको, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब आता है हमारा कि पी प्लांट में पहला करेक्टर कौन सा था लिया इन्होंने, तो हाइट लिया था। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक दो करेक्टर लिखेंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा है, तो हाइट में हमारा था टॉल और दूसरा हमारा डॉफ एंड शॉर्ट, ठीक है। देखो, अब कंट्रास्टिंग रेट कितने थे? 7 थे, ठीक है। तो यानी डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव। कंट्रास्टिंग ट्रेट बताए थे आप लोगों के जस्ट अपोजिट करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे बताए थे अपोजिट करेक्टर। तो देखिए, पहला करेक्टर हम लोगों ने प्लांट हाइट ली, पी प्लांट की हाइट ली, उसमें दो करेक्टर है, एक टॉल एक डॉफ। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल को डोमिनेंट रखा, दूसरे को रिसेसिव रखा, ठीक है। अब टॉल वाला क्या होगा, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डॉफ वाला नहीं करेगा। सेकेंड आता है हमारा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन क्या क्या था हमारा? एक था हमारा एक्जिलरी, दूसरा था हमारा टर्मिनल, दो हो गए हमारे, इसको रिसेसिव एंड डॉफ लिया। थर्ड फ्लावर कलर, फ्लावर कलर आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे होता है हमारा, पर्पल एंड व्हाइट, ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ एंड्स और भी है हमारे, 7 इस तरह थे हमारे, ठीक है। तो 7 आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 7 नहीं लिखा जाएगा। अब देखो, ये 7 हमारे कंट्रास्टिंग ट्रेट डोमिनेंट है, रिसेसिव इन्होंने लिया। अब इसके बाद, ठीक है, दो तीन चीजें इन्होंने और कहा कि जो सीड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सीड, सीड कलर लिया था, ठीक है, और सीड शेप की बात की थी। यदि देखो, यदि ऐसा पूछा ये सीड है और दूसरा ये व्रिंकल्ड है, ये डोमिनेंट है, राउंड है और ये व्रिंकल्ड है। राउंड होगा तो इसमें स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होगा, व्रिंकल्ड में
स्टार्च का कंटेंट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। स्टार्च का कंटेंट क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा क्या कि सीड डू नॉट सो डोरमेंसी, ठीक है, कि सीड जो है डोरमेंसी नहीं होना चाहिए। जो सीड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कलर या शेप के बारे में, उसमें डोरमेंसी नहीं होनी चाहिए। डोरमेंसी मीन्स क्या होता है? जर्मिनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जर्मिनेट ना हो पाए। हम ऐसा सीड ले लिए, जैसे मान लो कि ये सीड ले लिए, एक्सपेरिमेंट इस पे कर दिए, हम इस पे कोटेड कर दिए कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, इसको फिर हम क्या किए, ग्राउंड के अंदर लगा दिए। अब ये जर्मिनेट होना, जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। जिस पे हम लोगों ने मेहनत किया वो गड़बड़ हो गया। जैसे होता है नॉर्मली सीड डोरमेंसी कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्लास में सोते रहते हैं, ठीक है, क्लास में सोते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सर आए, ठीक है, तो बगल वाला उसको क्या करता है, उस करता है, वो उठ जाता है। दूसरा होता है सोते ही रहता है, जो सोते रहा उसी को बोलते हैं डोरमेंसी, यानी सब कुछ गायब कर दिया अपना। जो जग गया उस समय, मतलब कुछ पा गया, जर्मिनेट हो गया, वो बगल वाला उसका हेल्प कर दिया, तो सीड जर्मिनेट हो गया, तो उसे बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा डोरमेंसी मत रहना आप लोग, ठीक है, हमेशा क्या होना, जर्मिनल स्टेज में रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना आप लोग, ठीक है। और नंबर ऑफ सीड जो हमको ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, नंबर ऑफ सीड इज मोर, ठीक है, नंबर ऑफ सीड इज मोर, बहुत ज्यादा लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको कम लेंगे, क्योंकि सीड जितनी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ वेराइटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी हमको, ठीक है। तेर कुछ करेक्टर थे जिन्होंने मेंडल ने इनको लिया, ठीक है। अब देखो एक होता है चीजें कि इनकी डेट पूछ दी जाती है, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा गया था बर्थ ईयर, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं डेथ ईयर, पूछा नहीं जाता, बस आप लोगों को बता रहे हैं। डेथ ईयर से कभी कल पूछा जाता है, तो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब देखो इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इनको इनके मरने के बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जान लो आप मेडिकल में जाते हो, कोई दवा लॉन्च करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको एप्लीकेशन लिखोगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाएगा, आपको फिर रिसर्च जहाँ पे होती है चीज़ों को बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाएगा कि आप एक्सपेरिमेंट जो किए उसको बताओ, ठीक है। अब उसी प्लांट पे, जैसे मान लो आप किसी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो वो प्लांट नहीं दिया जाएगा आपको एक्सपेरिमेंट करने के, किसी अनदर चीज़ों पे करके आपको समझानी होगी उस चीज़ों को। इसी तरह मेंडल को, एक कहानी है थोड़ा सा बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल को बुलाया गया, जब मेंडल को बुलाया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, कि आप बताइए कैसे करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यदि मेंडल नहीं एक्सपेरिमेंट किए होते, जेनेटिक्स के बारे में नहीं बताया होते, तो आज तक हम कुछ भी नहीं पता कर पाते कि हमारे बॉडी में डीएनए है क्या, कैसे कर रहा है, हम बायोलॉजी आगे नहीं मूव कर पाते, ठीक है। जो हम लोग दवा बना रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, सब उसी के मेंडल जी के ही देन है, ठीक है। तो मेंडल को बुलाया गया, उनको बैठाया गया और बताया, पूछा गया कि आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए, ठीक है, बताइए, ठीक है। अब लक खराब थी इनकी, ठीक है, बहुत ज्यादा लक खराब थी। इन्होंने क्या किया, गार्डन में से एक प्लांट लिया, ठीक है। पहला है हमारा अनसक्सेस की बात करें, ठीक है, अन कहाँ पे गड़बड़ हो गए, अनसक्सेस, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन, या फिर अनसक्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है। पहला, जिन्होंने जो सीड लिया था, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉक वीड्स, ये पूछा गया है क्वेश्चन, वॉक वीड्स, इस सीड को इन्होंने लाया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए मेंडल साहब ने, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट इनका क्या हो गया, इस सीड पे फेल हो गया, ठीक है, करेक्टर ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, ठीक है। इन्होंने ऐसे प्लांट गार्डन में से चूज किया इस प्लांट को, इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और इनका मेंडल का सक्सेस नहीं हो पाया, करेक्टर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे इस प्लांट में, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा जो था, जो इनको वर्क जो किए थे वो पब्लिश नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। और पूछा भी जाता है पहले, अब तो हटा दिया गया एनसीईआरटी में, पहले पूछा जाता था इस पत्रिका का नाम, ठीक है, पत्रिका का नाम था नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूम्स,
ठीक है, क्या था हमारा नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूंस, या ब्रूंस ऐसे लिख लो बस, ब्रूंस ठीक है, स्ट्रॉपियस था। एक मिनट, ये पूछा था पहले, हमने पूछा था नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूंस जो पत्रिका थी उसे बोलते हैं नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूना, कहीं कहीं ब्रूनास दिया है, कहीं कहीं ब्रूंस दिया है, ये पूछा नहीं जाएगा आपको। तो जैसे मान लो कि इस समय पत्रिका जो भी यहाँ पे दैनिक भास्कर या ये सब चलती है, आप ऐसे पत्रिका दो जो बहुत कम पब्लिश हो, उसमें आप अपनी कोई भी आर्टिकल देते हो तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँच पाया, ठीक है, तो ढंग से पब्लिश नहीं हो पाई, नॉन पब्लिश प्रॉपरली नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूंस। नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रूंस था, ठीक है, जिसने इन्हें पब्लिश नहीं कर पाया, कोई पढ़ता ही नहीं था इसको, ठीक है। तीसरा, ठीक है, उस समय जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन फॉर डार्विन्स। डार्विन, सबका ध्यान कहाँ पे था हमारा, डार्विन की थियरी पे था, कि इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, सुनी ही नहीं, ठीक है, सब लोग किसमें बिजी थे हमारे, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन्स के बारे में सुने थे, ठीक है। थर्ड फोर्थ बात करें, ये क्या थे, मैथ से थे, ठीक है, तो जो इन्होंने टेबल्स बताए थे, ठीक है, तो टेबल्स जो थे बहुत हार्ड था, ये ऐसा लिखा नहीं गया था, कहीं लिखा नहीं गया है, इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो बायोलॉजी वालों को समझ में नहीं आता, मैथ तो नहीं आता, तभी तो हम लोग बायोलॉजी लिए, हम भी हैं वही, आप लोग भी वो MBBS बनना चाहते हैं, तो मैथ वालों को समझ में, मैथ से थे, बायोलॉजी वालों को समझा रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो टेबल बनाए थे किसी को समझ में नहीं आया, तो बायोलॉजी डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किए। नेक्स्ट, उस समय इन्होंने जीन का नाम फैक्टर बता दिया, कि एक फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है, करेक्टर ट्रांसफर करता है हमारा, ठीक है। अब उस समय फैक्टर को कोई जानता ही नहीं था कि फैक्टर क्या होता है, जीन का नाम इन्होंने फैक्टर्स दे दिया था, कुछ ऐसे चीजें। अब देखो, जो वॉकवीड है, ये पूछा जाता है कि वॉकवीड में ऐसा क्या हुआ जिनके कारण करेक्टर ट्रांसफर नहीं होता था, तो उसमें रीजन था कि इसमें था हमारा पार्थिनोजेनेसिस, क्या था हमारा, पार्थिनोजेनेसिस था हमारा, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, जैसे हम लोग बनाना, ये एक एग्जांपल नीट में पूछा था पार्थिनोजेनेसिस का, आपको एक ही NCERT में रिप्रोडक्शन बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल पूछेगा तो बनाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी मेल व फीमेल मिल ही नहीं रहे इसमें, मेल व फीमेल आपस में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, फ्रूट का, ठीक है, जब दो चीज आपस में मिलेंगे ही नहीं, आपस में फ्यूज नहीं होंगे, तो करेक्टर कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे उनको पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पता नहीं था, ठीक है, इस नाते वही होता है कि लक खराब हो, ऊंट पे चढ़ के जाओ तो भी कुत्ता काट लेता है, कहावत है, ठीक है, तो वही काम हुआ जिनके साथ, ऐसा सीड लिया है जिसमें पार्थिनोजेनेसिस, आप एक्सपेरिमेंट इसमें करेंगे तो जब सीड आपस में फ्यूज ही नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, हमारा करेक्टर ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है, तो इस समय निकाल दिया गया इनको। तो इनके कुछ अनसक्सेस थे, नॉन रिकॉग्निशन था, पहला वॉकवीड है, ठीक है, ऐसे सीड लिए जिसमें करेक्टर ट्रांसफर होता ही नहीं, पार्थिनोजेनेसिस बिकॉज ड्यू टू पार्थिनोजेनेसिस इज प्रेजेंट इन वॉक सीड। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, दो लोग आपस में मिलेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं, करेक्टर नहीं आपस में एक्सचेंज होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, कि इन्होंने आर्टिकल जो दिया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, ऐसे पेपर में दिया था जो वो क्या था, ज़्यादा पब्लिश नहीं होता था। थर्ड, जितने साइंटिस्ट थे सब डार्विन थियरी नेचुरल सिलेक्शन में बिजी थे, तो इन पे किसी ने फोकस नहीं किया। फोर्थ जो था, इन्होंने जीन को फैक्टर बोल दिया। अब फैक्टर लोग नया नाम सुन के इसके बारे में सर्च करने लगे कि होता क्या है फैक्टर, बाद में पता चला जीन को ही फैक्टर, क्योंकि ये मैथ से थे, मैथ से इन्होंने कुछ अलग चीजें थियरी दे दिए, तो ये कुछ चीजें थी जिनके कारण इनको अनसक्सेस दिया गया और बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि करेक्टर के लिए ट्रांसफर होता है, DNA RNA जो भी है, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने आप करेक्टर ट्रांसफर हो जाता है,
ठीक है, जरूरी नहीं है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर जाए ही, कहीं से भी आ सकता है। तो इनको निकाल दिया गया, उसके बाद कुछ सालों बाद इनकी डेथ हो गई ड्यू टू ब्रेन डिजीज हो गया था इनको, जिनके कारण की डेथ हो गई, ठीक है, और हटा दिया गया। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट आए जो कुछ कर रहे थे, ठीक है, कुछ पढ़ाई कर रहे थे या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये काम हो रहा है, कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कोई करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से थे हमारे, उनका नाम पूछा जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, कोरेंस एंड टेस मार्क, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तीन साइंटिस्ट थे जो 16 ईयर्स आफ्टर डेथ, मेंडल के मरने के बाद 16 साल बाद, 16 ईयर आफ्टर डेथ, ह्यूगो डी ब्रिज, कॉल कोरेंस एंड, कॉल कोरेंस बोलते हैं, कोरेंस एंड टेस मार्क थे, इन्होंने रीडिस्कवरी किया मेंडल का, ठीक है। और इन्होंने देखा कि ये चीजें किसी ने पहले बता चुकी है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनको दिखा कि कुछ करेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहे हैं, जो हम लोग आज देखते हैं नाक कान आंख, हमेशा बोलते हैं मम्मी या पापा दादा दादी जो भी है, सब पीढ़ी टू पीढ़ी आपस में वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, कुछ करेक्टर नाना के, कुछ करेक्टर दादा के, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो भी आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये चीजें किसी ने, साइंटिस्ट ने पहले भी बता रखी है, तो इन्होंने फिर रीडिस्कवरी किया, और उसके बाद उनको, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। इन्हों तीनों के बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, ये बोले जाते क्या किए थे इन्होंने, तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स, ठीक है, तब जाके उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तीन साइंटिस्ट हैं, पूछा था कि कौन से तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी किए थे मेंडल के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें हो गई, अब कुछ टर्म है, फ्यू टर्म के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पे आएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, एनी डाउट, एक चैट में है, रुकिए, वेट वेट, Q&A क्वेश्चन जहाँ पे है मोर में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं। हाँ किसी का चैट में आ रहा है, कोई कहाँ पे लिखा रहा है चैट में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलो ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलो ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कि इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, ठीक है। उसके पहले इंपॉर्टेंट टर्म के पहले एक हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्या चीज है, ठीक है। ये पूछा जाता है हमको, आ जाने तो यही कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, ठीक है, रुको एक मिनट बच्चों, ठीक है, चलो एक पूछा, देखो अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कि जैसे दिया गया है कि ये क्रोमोसोम का डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया इसके साथ में, ये सब सेल के, एक सेल के अंदर में है दिया गए हैं, आप लोग ध्यान देना, ये इसके साथ है। अब पूछा क्या है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग बताया हमने सेल पढ़े होंगे, सबसे बेसिक यूनिट है 11th का, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि बताइए आप कि इन चारों में क्रोमोसोम नंबर कितने कितने हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, चारों में पूछा गया है क्रोमोसोम नंबर कितने कितने प्रेजेंट हैं, कि पूछा गया कि ए सेल है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, बी सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, सी में और डी में, तब जाके हम आगे
पहले तुमको क्रोमोसोम नंबर पता होने चाहिए कि हम कैसे किसी सेल में दे दिया गया, तो कैसे हम फाइंड करेंगे क्रोमोसोम नंबर ही कितना होता है कैसे, ठीक है? क्योंकि क्रोमोसोम पे ही हमारा क्या होता है, करेक्टर लोकेटेड होता है, जिसको जीन बोलते हैं, और यही ट्रांसफर करता है। तो हमको यदि क्रोमोसोम ही नहीं पता है कि कैसे क्रोमोसोम कितने नंबर हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो एनीवन कोई बताएगा क्रोमोसोम नंबर के बारे में? क्यू एंड ए रीजन में बताइएगा, इस चैट में नहीं खुल रहा है। एनीवन? चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है? चलो आप सीख लेते हैं क्रोमोसोम नंबर कैसे कैसे, क्योंकि आपको मेडिकल में बहुत जरूरी आएंगे, ठीक है? अब देखो, ये जो बीच में है राउंड अप बनाए गए हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर्स, याद रखना, जहां पे पहला कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? पहला गांठ बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्ट्रिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखो और कुछ छोड़ दो। पहले प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर्स, ठीक है? तो जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है? याद रखना, जितने सेंट्रोमियर्स उतने ही क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? जितने सेंट्रोमियर्स उतने ही क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट में बात करें ए में, तो ए में क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स कितने हैं हमारा? वन। तो क्रोमोसोम कितना होगा हमारा? वन। बी में कितने हमारे सेंट्रोमियर? एक ही। तो क्रोमोसोम नंबर वन। सी में सेंट्रोमियर कितने हमारे? वन। तो क्रोमोसोम नंबर वन। डी में सेंट्रोमियर कितने हैं हमारे? वन एंड टू। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए हमारे? टू हो गए, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, तो हमको इससे डिस्क्राइब हो गया, ठीक है? अब ये दोनों स्टैंड है हमारे, कॉइलिंग के स्टैंड है, इसी पे हमारा क्या होता है, इस तरह करके डीएनए होते हैं हमारे, ठीक है? इस तरह करके हमारा डीएनए होता है, और इसी पे हमारा करेक्टर लोकेट होता है, ठीक है? क्या होता है हमारा? क्रोमोसोम पे ही करेक्टर लोकेट होता है, जो हम पी प्लांट में पढ़ रहे हैं, टॉल डॉप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं गोरा काला, गोरा काला तो ऐसे ज्यादा सूर्य की रोशनी या मिलेनिंग के कारण होता है, ठीक है? जो भी करेक्टर हमारे पास, इसी पे हमारे डीएनए पे लोकेटेड होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है? चलिए, इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट किसी को? चलिए गुड, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टर्म्स पे एक एक टर्म्स लिखते चलते हैं हम लोग। पहला पहला ही पूछा जाएगा आपको, ये चीजें आनी चाहिए कि जीन क्या क्या होता है, कि जीन क्या होता है, पहला फर्स्ट पूछा जाएगा जीन क्या होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो जो भी करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो यूनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है? नाम पूछा गया जीन क्या होता है, तो जीन जो हमारा करेक्टर जो जा रहा है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, उसी को जीन बोलते हैं। और जीन टर्म किसने दिया था? टर्म इन्होंने जॉनसन ने दिया था, जॉनसन, ठीक है? किसने दिया था हमारा? जॉनसन ने दिया था, एक मिनट। जॉनसन ने दिया था, ठीक है? और इसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर, ठीक है? मेंडल ने क्या बोला था? दोनों सेम है, मेंडल ने भी बताया था, ठीक है, कि मेंडल ने बताया था करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो वो जो था जीन था, उस समय लोग अधिकतर लोग जीन जानते थे, इन्होंने फैक्टर बता दिया, फैक्टर भी क्या है हमारा? जीन ही है, बस मेंडल ने उसको टर्न नाम क्या दे दिया था? फैक्टर। और फैक्टर का भी काम क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? सेकेंड आएगा हमारा, बात करेंगे एलील्स की, बात करेंगे, ठीक है? किसकी बात करेंगे? एलील्स की बात करेंगे, ठीक है? एलील क्या होता है? या तो बोल दें अल्टरनेटिव,
अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ करेक्टर्स इज नोन एज एलील्स बोलते हैं। दो पेयर्स में करेक्टर प्रेजेंट हैं कहाँ पे, जीन के पास, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलील्स। जैसे मान लें एक करेक्टर है हमारा टॉल और दूसरा करेक्टर था हमारा डॉफ या फिर शॉर्ट, ठीक है। दो करेक्टर थे डॉफ एंड शॉर्ट और पहला हो गया हमारा टॉल, ठीक है। तो ये दो करेक्टर हमारे अल्टरनेटिव कैरेक्टर हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं एक ही सेल में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेल है हमारा कोई भी, क्रोमोसोम कौन सा है हमारा, सेवन मान लेते हैं। कौन सा क्रोमोसोम है हमारा, सेवन क्रोमोसोम है। इस पे हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इस पे हमारा टॉल वाला है और इस पे हमारा शॉर्ट वाला है, ठीक है, या फिर डॉग बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डॉग बोलेंगे, ठीक है। तो ये करेक्टर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ करेक्टर नोन एज एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो टॉल को हम लोग टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और शॉर्ट को स्मॉल टी। अब टॉल जानते होंगे, अभी पढ़ाए थे पी प्लांट में कि टॉल क्या है हमारा, टॉल देखो टॉल क्या है हमारा, डोमिनेंट और आर क्या है हमारा, रिसेसिव है। तो एक तरफ टॉल हो गया है, दूसरी तरफ क्या हो गया हमारा, डॉग हो गया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, कैपिटल टी, और इसको स्मॉल टी पे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी यहां तक लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आता है हमारा जिसको बोलते हम लोग होमोजाइगस। होमोजाइगस से रिलेटेड एक और आएगा जिसको हम पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हम लोग हेटरोजाइगस। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। होमोजाइगस की बात करेंगे तो सिमिलर, होमो मीन्स क्या हो गया हमारा, सिमिलर, जाइगोट मीन्स जाइगोट, ठीक है। सिमिलर जाइगोट यदि होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, और डिफरेंस होंगे हमारे तो उसे बोलेंगे हेटरोजाइगस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यदि हम टी टी लिख देते हैं और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए हमारे, होमोजाइगोस, ठीक है। इस क्या हो गए हमारे, होमोजाइगस हो गए, ठीक है। यदि हम डिफरेंस लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिए, इसे बोलेंगे हम लोग हेटरोजाइगोट। देखो टी था, कैपिटल टी था तो टॉल आ रहा था, स्मॉल टी था तो डॉफ आ रहा था, ठीक है। और करेक्टर हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ करेक्टर, तो इसको बोल देंगे हम, यदि कैपिटल टी कहीं पे दिख रहा है आपको तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोमिनेंट। यदि स्मॉल टी दिख रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग रिसेसिव। ए होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस है, ये क्या है, हाइब्रिड है हमारे, ठीक है। दोनों क्या हमारे, हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस। लेकिन हमारे यहाँ पे प्लांट कैसा आएगा हमारा, ए इसको डोमिनेंट है, डोमिनेंट प्लांट कैसा रहेगा, यहाँ पे टॉल आएगा। कैसा आएगा टॉल, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस, यदि हम लोग दोनों का हाइब्रिडेशन करते हैं, संकरण कराते हैं, गुजराती में बोलते हैं संकरण कराते हैं, दोनों को आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तब की बात करें। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग समझेंगे इस पे। नेक्स्ट है हमारा फिनोटाइप्स, सेकेंड है हमारा जीनो टाइप्स। फिनोटाइप्स है जीनो टाइप्स, ठीक है। अब देखो दो चीज होता है, ठीक है। फिनोटाइप मीन्स हो गया हमारा, यदि हम बात करें तो फिजिकल और जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स मेकअप, ठीक है। जेनेटिक्स मेकअप, ठीक है। यदि हम किसी को देख के, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से बताते हैं, और ज्यादातर ही बोलते हैं कि देखो लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, कि गुराले बाल हैं, जो भी करेक्टर हम बताते हैं मोस्टली कैसा होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग फिनोटिपिक करेक्टर। जैसे हम इस प्लांट को बोल रहे हैं कि ये डोमिनेंट है, लेकिन कैसा है, टॉल है, दूसरा कैसा है हमारा, डॉफ है, ठीक है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है उसका, फिजिकल, फिजिक्स से, ठीक है। तो टॉल एंड डॉग क्या हो गया, ये फिजिकल। लेकिन यदि हम इस तरह लिख रहे हैं, देखो इस तरह लिखे हुए हैं, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक है मेकअप। यदि हम फिजिकल अपीयरेंस से बाहर से देख के कोई करेक्टर को बताते हैं तो उसे बोलते हैं फिनो टिपिक करेक्टर। यदि हम उसको लिखेंगे जीन की तरह लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जेनेटिकली करेक्टर्स बोलेंगे। जैसे आप लोगों को आएगा ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप जब भी हम लिख के बताते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है, जो भी है, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं आप लोग जानते हो कि पढ़ा जाएगा आगे, तो सब हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली रिप्रेजेंट। बाहर से देख के हम ब्लड बताते हैं सिर्फ कैसा है, रेड है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका फिनोटिपिक करेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं फिनोटिपिक है, जीनोटिपिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जीनोटिपिक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया टॉल एंड ऑफ, ये क्या हो गया इसका फिनोटिपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स होता है खुद का चीजें साथ में करना, ठीक है। यानी हम जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फिंग बोलते हैं। F1 मतलब फिलियल फर्स्ट जनरेशन, फिलियल F2 आएगा तो फिलियल सेकेंड जनरेशन, इसी तरह जितनी भी जनरेशन है तो हमको नीट में सिर्फ F2 जनरेशन तक ही पढ़ना है, फिलियल जनरेशन 2। फिलियल मीन्स होता है फर्स्ट प्रोजेनी, सेकेंड प्रोजेनी, थर्ड प्रोजेनी, इस तरह, ठीक है। तो फिलियल फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या बोलते हैं फिलियल कितने तक पढ़ना हमको, F1 एंड F2, ठीक है, फर्स्ट फिलियल एंड फर्स्ट। कैसे, जैसे मान लो कि ए है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ए है क्रॉस विथ बी, दोनों को आपस में फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म मिला वो हो गया सी, तो इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट जनरेशन फिलियल, फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे इसे, ठीक है, ये हो गया फिलियल फर्स्ट। अब इसका सेल्फिंग करा दिए हम लोग, ठीक है, कि F1 के साथ F1 का क्रॉस करा दिए फिलियल फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमको, F2 मिलेगा। तो F2 करने के लिए, फिलियल 2 जाने के लिए हमको F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट जिसको बोलते हैं प्योर लाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेडिकल जा रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाना, अपना मेकअप करना, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो प्योर लाइन की बात करते हैं, प्योर लाइन क्या होता है, कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी, या तो ये होगा या तो इस तरह कराएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे बोलते हैं प्योर लाइन, यानी डोमिनेंट है तो पूरी तरीके से डोमिनेंट होना चाहिए, डोमिनेंट है और पूरी तरह से रिसेसिव होना चाहिए, कोई भी हमारा हाइब्रिड चीजें नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं प्योर लाइन क्रॉस। कोई भी अशुद्धता बोलते हैं नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग प्योर लाइन क्रॉस बोलते हैं। तो डायरेक्ट लिखा जाता है कि प्योर लाइन क्रॉस किसे कहते हैं, या फिर प्योर लाइन दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया गया, चलो ये दे दिया गया क्रॉस भी दिए, तो ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा आपको इस तरह क्रॉस दे दिया गया, ठीक है, थर्ड इस तरह दे दिया गया, ठीक है, और फोर्थ इस तरह दे दिया गया, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 दे दिया गया आपको, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से प्योर लाइन क्रॉस कौन सा है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं नीट में आपको कि प्योर लाइन क्रॉस कौन सा है, तो हमको प्योर पैरेंट लेना है, कोई भी त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दो हाइब्रिड है, एक टॉल है एक डॉफ के साथ है, ठीक है, क्या आगे है टॉल आता है क्या नहीं वो छोड़ दो, ठीक है। ये दोनों कैसे हमारे प्योर हैं, दोनों सेम है हमारे, ठीक है, लेकिन क्रॉस कर रहे हैं नहीं होगा, ये दिया है लेकिन ये नहीं है ये भी नहीं होगा, ये चलो सही है तो ये सही है, ठीक है, थर्ड वाला सही है हमारा, प्योर लाइन दिख रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन फोर्थ में देखा जाए फिर वो दिक्कत है हमारा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग प्योर लाइन क्रॉस करेंगे, ठीक है, या तो डोमिनेंट हो पूरी तरीके से 100% या फिर रिसेसिव 100%, दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आएंगी आपको। एक टर्म यहाँ पे और आता है आपको जो बहुत बार पूछा गया है, कई लोगों को पता ही है, कंफ्यूज होते हैं, जीनोम्स, ठीक है, जीनोम्स, ठीक है, कि जीनोम से क्या होता है, ठीक है, जीनोम से क्या होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की बात करें तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ईच न्यूक्लियस, ठीक है,
यदि एक न्यूक्लियस में, प्रत्येक न्यूक्लियस में हम लोगों में तो हर सेल में एक न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है, कहीं पे मल्टीपल होता है, जैसे हम लोग मसल्स की बात करें, ठीक है, जिसको सिनिस्टिक बोलते हैं या फिर मल्टीपल न्यूक्लियस बोले, किसी भी गिवन स्पीसीज में एक ईच न्यूक्लियस में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोम बोलते हैं। डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है, तो आप लिख लेते हैं ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ईच न्यूक्लियस, ठीक है, फाउंड इन ईच न्यूक्लियस ऑफ गिवन, कोई भी स्पीसीज दिया गया हो, जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस के एक न्यूक्लियस में, ईच न्यूक्लियस में यदि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है हमको, तो उसे हम क्या बोल देंगे, जीनोम्स बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट पूछा था, जीनोम्स की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीनोम्स हो गया, कुछ टर्म हम लोगों ने पढ़ लिए, फिर एक बार देख लेते हैं, जीन्स पढ़ लिए, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारा, टर्म किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, वही दूसरा टर्म मेंडल ने उसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था, इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीन्स बोलते हैं, ठीक है। एलील्स क्या, इस वर्ड से क्या समझते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन जीन, ठीक है, प्रेजेंट इन जीन इज नोन एज एलील्स, ठीक है, दो करेक्टर कोई भी हो हमारा, टॉल डॉफ, ठीक है, रेड व्हाइट पिंक व्हाइट, जो भी करेक्टर, सेवन करेक्टर पी प्लांट के, और हम लोग अपना करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होमोजाइगस, जब जाइगस हमारे क्या होते हैं, सेम तरह के होंगे हमारे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस, यदि डिफरेंट है तो हेटरोजाइगस। फिनोटिपिक जीनोटिपिक की बात करें तो जो फिजिकल अपियरेंस रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फिनोटिपिक, जीनेटिकली रिप्रेजेंट करें किसी चीज को तो उसे जीनोटिपिक बोलते हैं। सेल्फिंग मीन्स हो गया खुद का, सेल्फिंग मीन्स सेल्फ, क्रॉस करें, जब F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो F2 मिलेगा, F2 को F2 के साथ क्रॉस कराएंगे तो F3 मिलेगा, F3 के F3 के साथ क्रॉस कराएंगे तो F4 मिलेगा, ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सब रिसर्च की फील्ड की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलियल जनरेशन, F1 एंड F2 होता है हमारा, फर्स्ट जनरेशन को बोलते हैं F1, सेकेंड फिलियल जनरेशन को F2 बोलते हैं। तो F2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 के साथ F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो उसे बोलते हैं F2, ठीक है। प्योर लाइन क्रॉस की बात करें तो प्योर लाइन में याद रखना कभी भी कोई चीज त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं प्योर लाइन क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, यानी टी टी क्रॉस विथ कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है, दोनों हो सकता है। नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको ढूंढना था कहीं भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके पूछ रहा है कि ये प्योर लाइन क्रॉस है, तो आप लोग सीधे मना कर देंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में आया, इसमें प्योर लाइन नहीं है, ये क्या है हमारा, इसको बोलेंगे क्या है हमारा, हाइब्रिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जीनोम लिखा गया है कि ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ईच न्यूक्लियस ऑफ द गिवन स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज है उसमें कंप्लीट सेट क्रोमोसोम पाया जा रहा है किसी भी न्यूक्लियस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपको टर्म्स के बारे में, ठीक है, अब देखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी में सब चीजें लिखी हुई हैं आपको, ठीक है, तो एनसीईआरटी को एलोबरेट किया जाएगा और नोट आप लोग बनाते रहना, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे, तभी हम लोग टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है पहले, फर्स्ट है, यदि हम टर्म ही नहीं जानेंगे तो आगे लिखा रहेगा कहीं पे ऐसे टर्म, जीनोम लिख दिया गया, होमोजाइगस हेटरोजाइगस क्या होता है, तो हम क्या जानेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो अब इसी नाते लोग बोलते हैं, कई लोग जो बायोलॉजी से अनदर सब्जेक्ट से होते हैं कि ये रटने वाली चीजें हैं, ठीक है, रटने वाली नहीं है, कि न्यू टर्म होती है, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, ठीक है, और धैर्य रखिए, हो जाएगा आप लोगों को, जितना बोलने बहुत उतना करिए, अपने आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। अब मेंडल के नियम आते हैं, ठीक है, मेंडल के तीन नियम है हमारे, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमको जानना है, ठीक है, या तो पहले मेंडल के नियम लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर पूछा गया है मेंडल्स लॉ,
ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मेंडल से लॉ कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है जिसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड। ठीक है, या तो मोनो हाइब्रिड लिखा होगा या फिर लिखा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असॉर्मेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रख कर देते, अभी मोनोहाइब्रिड को बता दो इसको, ये तीन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट। ठीक है, ये तीन नियम है मेंडल के। ठीक है, और भी बुक में, एलन में, क्या क्या बुक में, किसी का मोर में आया है, मोर तो एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलो अभी बारे में देखें। ठीक है, ये तीन नियम हमारे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, जिसमें से पूछा जाएगा ये जो वन एंड टू है। ठीक है, वन एंड टू की बात करेंगे तो इसको रखते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड में। ठीक है, और ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये दो होते हैं, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो मोनो एंड डाई हाइब्रिड बोल सकते हो दो क्रॉस, या तो आपको एनसीईआरटी में जो लिखा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस करना, हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट हमारा। ठीक है, ये चीजें हमारी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब आता है कि ये तीन नियम है, तीन के बाद एलन में जाओगे तो चार नियम दिए गए हैं। ठीक है, और बुकलेट में ऐसे चार नियम, किसी में तीन नियम, किसी में मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, तो हमको एनसीईआरटी फर्स्ट करना, चीजें दूसरे के भूल जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, यही तीन नियम हमको जानने और कुछ नहीं जानने हमको। ठीक है, अब जो होंगे सो देखा जाएगा। ठीक है, ये तीन हमारे एनसीईआरटी में, जो नीट में पूछा जाता है, नीट में हमको एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हमारे आंसर की आती है। ठीक है, ना कि एलन, ना आकाश, ना रेजोनेंस, ना किसी भी अनअकैडमी या कोई भी। ठीक है, तो फल है हमको एनसीईआरटी देनी है। अब आता है मोनो हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग सिंगल करेक्टर लेते हैं, ठीक है, ये समझ लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्या होता है। जब हम क्या लेंगे, टेक द सिंगल करेक्टर्स। ठीक है, कोई भी एक करेक्टर ले, सेवन करेक्टर आपके पास है एनसीईआरटी में लिखा, तीन चार करेक्टर हम खुद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी एक करेक्टर, जैसे हम लोग ले लिए टॉल एंड डॉग। ठीक है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिप्रेजेंटेशन है टॉल एंड डॉग के लिए। यदि हम सिंगल करेक्टर लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड। यदि हम लोग, अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे, दो करेक्टर ले लेंगे, टॉल ले लेते हैं, उसके साथ कोई भी करेक्टर ले लेते हैं, टॉल एंड रेड, या फिर टॉल एंड राउंड एंड डॉफ एंड विंकल्ड। क्या ले लिया हम लोग, डॉफ एंड विंकल्ड। अब देखना, राउंड ने जिस तरह लिखेंगे उसी का स्मॉल लेटर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे क्या करना है डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिख लेना, या फिर विंकल्ड में दूसरा, जो इधर जो कैमिट्स इधर से रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरह इधर करेंगे। और करेक्टर्स हमेशा पेयर्स में होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एलील्स, देखो यहाँ भी पेयर्स में लिखे हैं, यहाँ भी पेयर्स में है, टॉल का है ये लिख देते हैं, ये किसका है हमारा, सीड कैसा है हमारा, राउंड, यहाँ पे डॉव, एंड ए हो गया हमारा व्रिंकल्ड। ठीक है, तो हमेशा पेयर्स में करेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोनो एंड डाई हाइब्रिड। तो इस तरह करेक्टर हमको लेंगे, ट्राई बोल दिया तो तीन करेक्टर, टेट्रा बोल दिया तो चार करेक्टर, आपको कोई भी दे सकता है, वो बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे कि आपको सिंगल मोनो हाइब्रिड ध्यान देना है, और सबके रेशियो, सबके क्रॉस आप लोग सिर्फ मोनो हाइब्रिड के मदद से, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा, पेंटा, जो भी दिया जाए आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको डाई तक आता है, कहीं कहीं आपको कभी काल एनसीईआरटी नीट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी
है उसकी बात की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनो एंड डाई हाइब्रिड, क्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो। एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, दूसरा चीज देख लो, बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि इसमें आपको दो चीजें जेनेटिक्स में, यदि दो चीजें आपको आ गई, ठीक है, पूरी जेनेटिक्स समझ में आ जाएगी, पूरी जेनेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगी, और समझना ही है उसको, आपको किसी भी तरीके से समझना ही है। आप जितना समय लेना चाहते हो ले सकते हो उसके लिए, ठीक है, जितनी जल्दी आ जाए उतना आपको जल्दी आ जाए, और जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत आप पूछना, ठीक है। देखो, एक दो चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक क्रॉस कराना आना चाहिए आपको, कैसे कराएं, गैमिट के क्रॉस कराएंगे फर्स्ट चीजें, और दूसरा हमको, यदि हमको नंबर ऑफ गैमिट्स पता हो जाए, यही दोनों है पूरा जेनेटिक्स में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि क्रॉस कराने आ गया आपको और नंबर ऑफ गैमिट्स फाइंड करने आ गया तो पूरी जेनेटिक आपको आसान लगेंगी, यही दोनों है, मैथ है थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको, ट्रिक भी बताएंगे चीजों को। ये दोनों आ गई तुम्हारी पूरी जेनेटिक, जैसे ही पूछेगा तुरंत आप निकाल लोगे, अच्छा ये दिया है तुरंत क्रॉस करके निकाल लेना। पूछा गया था क्वेश्चन जेनेटिक्स में, ठीक है, कि मान लो किसी का टी टी दिया गया है और कोई स्मॉल टी, नॉर्मली पूछ रहे हैं, क्रॉस कराएंगे तो F1 में क्या बनेगा, फिर F2 में क्या बनेगा, ठीक है, इसका रेशियो बता दीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा आया था नॉर्मली, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि रेशियो पूछ दिया, हम लोग बता देंगे उसको, फाइंड कर लेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह हमको क्रॉस कराना आना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्म से पढ़ेंगे, ये वो आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना, पर डे आपको रिविजन करना है, और क्लास के पहले एक बार और रिवाइज करके बैठना है आपको, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखो। सिर्फ यदि आप लोग जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे चलोगे, ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करना, अपने दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा सोचने के लिए राजी, हमको जो आए वही करना है, दिमाग दौड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूटन आइंस्टीन सब होते हैं, यदि वो कूद गए क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को रिसर्च फील्ड में करेंगे और ऑप्शन आप दूसरा मार के चले आओगे, ठीक है। और बायोलॉजी ध्यान रखना, बायोलॉजी जो क्वेश्चन होते हैं उसे बोला जाते हैं लालच बुरी बला है, लगता है हमको आसान है, जल्दीबाजी हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर मार के निकल देते हैं, ठीक है, लगता है हमको कि आसान है बोला जाता है, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो लगता है अरे ये नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं ये होता है, ठीक है। करके आते हैं 60-70 क्वेश्चन, क्वेश्चन सही कितने होते हैं हमारे, 30 होते हैं। सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा बायोलॉजी में पकड़ी जाती है, सबसे ज्यादा होती है, हमको लगता है क्वेश्चन आसान तुरंत उसको पिकअप करते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हैं हमको बायोलॉजी हमको सब आती है, ठीक है, ऐसा नहीं, आराम से क्वेश्चन करना है, ठीक है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, जितना समय लेना हो ले, सेलेक्टेड क्वेश्चन करना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जब भी हम क्वेश्चन करते हैं निगेटिव मार्किंग कम होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है, हम तुक्का नहीं मार सकते वहां पे, आया तभी हम करेंगे, लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है, हम तुक्का मारना शुरू कर देते हैं, नहीं ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, जितनी कम निगेटिव मार्किंग उतनी अच्छी रहे।